नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग्स टू मेक थिंक में मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एलोवेरा से होने वाले खतरनाक नुकसान या साइड इफेक्ट्स सुन के चौंक गए ना आप भी? जी हाँ, आपको अभी तक एलोवेरा से होने वाले फायदे ही पता थे ना, लेकिन आज मैं आपको एलोवेरा के नुकसान भी बताऊंगी जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता होंगे। जहाँ तक एलोवेरा के बेनिफिट्स की बात है, तो उसके बारे में हम आपको अपने चैनल पर पहले के वीडियो में बता चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा या दोबारा देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए उसका लिंक दे दिया है, उसको क्लिक करते ही हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोवेरा क्या है ये आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो सुनिए। एलोवेरा एक कैक्टस की तरह का पौधा होता है जो गर्म वातावरण में उगता है। एलोवेरा जेल के बारे में आप सबको तो पता ही होगा क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि सिर्फ इसके फायदे ही हैं? क्या ये आपको नुकसान भी कर सकता है? तो आज हम आपको अपने वीडियो के जरिए एलोवेरा से जुड़े नुकसान बताएंगे जो आपको शायद ही मालूम हो। ध्यान से सुनिएगा कि एलोवेरा आपकी सेहत को कैसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। एलोवेरा की पत्ती के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसी को हम एलोवेरा जेल कहते हैं। इसका जेल कई दवाइयों में भी यूज किया जाता है। लोग ओबेसिटी, डायबिटीज, आर्थराइटिस और ना जाने कितनी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोवेरा से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आपकी त्वचा के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा माना गया है। मुहासे, डैंड्रफ इत्यादि को दूर भगाने के लिए भी एलोवेरा का यूज बहुत किया जाता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि एलोवेरा का यूज आपके हिसाब से होता है, यानी ये आपकी स्किन पर डिपेंड करता है, और इसके उपयोग से आपको स्किन रिएक्शन हो या नहीं भी हो सकते हैं। कुछ सोर्सेस के मुताबिक एलोवेरा आपके त्वचा की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को ही खत्म कर देता है। कुछ लोगों को एलोवेरा लगाने के बाद इचिंग या हल्की जलन भी महसूस होती है। हालांकि अगर आपकी स्किन जलती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको एलोवेरा का यूज करना बंद कर देना चाहिए। कभी भी इन्फेक्टेड स्किन पर एलोवेरा जेल ना लगाएं। हालांकि जेल में माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसकी सुरक्षित लेयर एक इन्फेक्शन को और बुरा बना सकती है। साथ ही एलोवेरा को खाने या कैप्सूल फॉर्म में लेना भी जानलेवा है, क्योंकि आपके पेट में लैक्सेटिव इफेक्ट हो सकता है जो आपको पेट से जुड़ी बीमारियां कर सकता है। बच्चों को खासकर एलोवेरा से दूर रखें। ऐसा कहते हैं कि एलोवेरा त्वचा रोगियों के लिए सबसे अच्छी दवा है, पर फिर भी नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ ट्रस्टेड सोर्स के मुताबिक इस बात का कोई परिणाम कहीं भी नहीं है। याद रखें, एलोवेरा जेल को डायरेक्टली मुंह में लगाना टॉपिकल एलोवेरा जेल से एकदम अलग है। अगर आप एलोवेरा जेल अपने स्किन में लगाते हैं और आपको कोई राहत नहीं दिख रही, तो तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा चिकित्सक को कंसल्ट करें। कई डॉक्टर्स ये मानते हैं कि एलोलेटेक्स पेट दर्द या क्रैम्स भी पैदा कर सकता है। अगर आप काफी दिनों तक एलोलेटेक्स भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको डायरिया, किडनी प्रॉब्लम्स, पेशाब में खून आना, लो पोटेशियम, मसल वीकनेस, वेट लॉस और दिल के दौरे जैसे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि आप किडनी फेलियर का भी शिकार हो सकते हैं। एलोवेरा जेल गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग औरतों के लिए भी हानिकारक है। अगर कोई गर्भवती महिला एलोवेरा जेल को खाती है, तो उसको मिसकैरेज या बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। कई संशोधनों के हिसाब से 12 साल से कम उम्र के बच्चों में पेट दर्द, डायरिया तक हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि एलोवेरा उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको इंटेस्टिनल कंडीशंस हैं, जैसे क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस इत्यादि। जिनके सेंसिटिव स्कैल्प है, अगर वो सीधा एलोवेरा अपने सर पर लगाएंगे, तो उनको इचिंग या इरिटेशन की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए।
सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स पर आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। एलोवेरा बहुत ही प्रसिद्ध पेड़ है जिसके कई लाभ हैं, साथ ही नुकसान भी हैं। आज से पहले आपने एलोवेरा के बारे में इतना नहीं जाना होगा। क्यों? आपको ये बात समझनी चाहिए कि एलोवेरा 100% फ्री साइड इफेक्ट्स वाली चीज नहीं है और ये बड़ी बड़ी मुसीबतों को दावत दे सकता है। आशा करती हूँ कि आप अब समझ ही गए होंगे कि आंख बंद करके किसी भी प्रोडक्ट पर भरोसा करना नहीं चाहिए। अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाएं और इसका उपयोग कम से कम करें। ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।